एकलव्य विद्या संकुल। चार, कथनी और करनी निबंध। प्रश्न पहलो, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखे। पहलू, मनुष्य स्वयं को क्या समझता है? जवाब छे, गुणों की खान। बीजू, बस में ड्राइवर के बैठने की जगह को क्या कहते हैं? जवाब छे, केबिन। त्रीजू, मकान मालिक कितने महीना का किराया लेने आया था? जवाब छे, चार। चौथू, बिजली का बिल जमा करने गए सज्जन का पोता कितने वर्ष का था? जवाब छे, आठ। पाँचवा, आदर्श की बातें करने पर उन्हें न अपनाना यह खाली जगह के लिए अच्छा नहीं होता? जवाब छे, आचरण। प्रश्न बीजो, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहलू, ईश्वर ने मनुष्य को कई खाली जगह से संवारा है? जवाब छे, गुणों। बीजू, खाली जगह के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी? जवाब छे, बरसात। तीजू, लोगों ने खाली जगह लगाने वाले सज्जन को फूल तोड़ने देखा? तख्ती। चौथू, बसों में खाली जगह करना वर्जित है? जवाब छे, धूम्रपान। पाँचवा, सदा अपनी खाली जगह की प्रतीक्षा करनी चाहिए? जवाब छे, बारी। छठू, कई लोग खाली जगह की बातें करते हैं, उन्हें अपनाते नहीं? जवाब छे, आदर्श। प्रश्न त्रीजो, सही वाक्यांश चुनकर उदाहरणों को पूर्ण कीजिए। पहलू, पार्क में लोगों के आने जाने से फूलों के पौधे लगाने वाले को लगा कि खाली जगह? जवाब छे, लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। बीजू, एक सज्जन ने अपने पोते को सिखाया था कि? जवाब छे, हमें कोई काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। त्रीजू, बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना वर्जित है। चौथो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहलू, मनुष्य स्वयं को क्या समझता है? जवाब, मनुष्य स्वयं को गुणों की खान समझता है। बीजू, फूल तोड़ने वाले सज्जन ने अपनी शर्म मिटाने के लिए क्या कहा? फूल तोड़ने वाले सज्जन ने अपनी शर्म मिटाने के लिए कहा, मैं ये फूल पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। त्रीजू, बस कंडक्टर ने यात्री को क्या करने से मना किया? बस कंडक्टर ने यात्री को बस में बीड़ी पीने से मना किया। चौथू, कंडक्टर के अनुसार बस में धूम्रपान का निषेध किसके लिए नहीं? कंडक्टर के अनुसार बस में धूम्रपान का निषेध यात्रियों के लिए है, ड्राइवर और कंडक्टर के लिए नहीं। पाँचवा, दुकानदार के अपने बेटे के प्रति क्या पक्षपात किया? दुकानदार ने ग्राहक को दुकान सामने स्कूटर खड़ा करने से रोका पर अपने बेटे को नहीं। छठू, मकान मालिक क्यों हंसने लगा? मकान मालिक किराएदार के बेटे से यह सुनकर हंसने लगा कि पिताजी कहते हैं कि वे घर पर नहीं है। सातवां, बिल भरने के लिए कतार में न खड़े होने वाले सज्जन ने अपने पोते को क्या सिखाया था? बिल भरने के लिए कतार में न खड़े होने वाले सज्जन ने अपने पोते को सिखाया था कि कोई भी काम कभी गलत ढंग से नहीं करना। आठवां, जग में सम्मान प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जग में सम्मान प्राप्त करने के लिए हमें कथनी और करनी को सम्मान करनी चाहिए। प्रश्न पाँचवा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलू, फूल लगाने वाले सज्जन की कथनी और करनी में क्या अंतर था? फूल लगाने वाले सज्जन के पार्क में एक तगरुती टांग दी थी, उस पर लिखा था फूल तोड़ना मना है। वहां से आने व जाने वाले लोग तख्ती को पटते, तख्ती पर लिखी गई सूचना के करने में फूल नहीं तोड़ते थे। एक दिन सुबह लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन के ही फूल तोड़ने गए देखा, जिस काम कल को करने से उन्होंने दूसरे को मना किया था उसी ने स्वयं ही कर रहे थे। इस प्रकार फूल लगाने सज्जन की कथनी और करनी में अंतर था।
बीजू, बस कंडक्टर के व्यवहार में उसकी कथनी और करनी का भेद किस प्रकार प्रकट हुआ? बस में यात्रा करने समय एक यात्री बीड़ी जलाकर पीने लगा। उसे देख कंडक्टर ने उसे कहा कि बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने यात्री की जलती हुई बीड़ी खिड़की से बाहर फिकवा दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा और सिगरेट जलाकर पीने लगा। एक यात्री द्वारा टोकने पर कंडक्टर ने कहा कि बस में धूम्रपान करने के मनाई केवल यात्रियों के लिए है, ड्राइवर और कंडक्टरों के लिए नहीं। त्रीजू, दुकानदार की कथनी और कथनी की पोल कैसे खुल गई? एक व्यक्ति एक दुकान से कुछ सामान खरीदना चाहता था। वह अपने स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर रहा था। दुकानदार ने उसे वहां स्कूटर खड़ा करने से रोकते हुए कहा कि दुकान के सामने सड़क पर स्कूटर खड़ा करना ठीक नहीं है। दुकानदार की बात मानकर उसने अपना स्कूटर दूसरी जगह खड़ा कर दिया। इतने में ही दुकानदार का बेटा आया। उसने अपना स्कूटर दुकान के सामने सड़क पर ही खड़ा किया, परंतु दुकानदार ने उसे मना नहीं किया। चौथा, किराएदार को शर्मिंदा क्यों होना पड़ा? किराएदार अपना घर में एक मित्र से बात कर रहा था। उसी समय मकान मालिक उससे 4 महीने से बाकी किराया लेने आया। उसने दरवाज़ा खटखटाया। किराएदार ने खिड़की से जाकर उसे देखा। उसने अपने बेटे को समझा कर बाहर भेजा। बेटे ने कहा, पिताजी कहते हैं कि वे घर पर नहीं हैं। बेटे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बेटा मित्र मुस्कुराया। इस तरह उसे शर्मिंदा होना पड़ा। पांचवा, धूम्रपान का निषेध है कहाँ कहाँ और क्यों लिखा होता है? धूम्रपान वर्जित है, ऐसा बसों और रेलगाड़ियों जैसे सार्वजनिक वाहनों में लिखा है। अस्पतालों में, सिनेमा में और देखकर वालों में भी धूम्रपान न करने की चेतावनी दी जाती है। पुस्तकालय, बाग बगीचे, प्रतीक्षालय, धर्मशाला आदि स्थानों पर ऐसी पट्टियां लगी होती है। धूम्रपान से वायु प्रदूषित होता है। प्रदूषित वायु में सांस लेना से छाती और फेफड़े का कई बीमारियां होती है। इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान का निषेध है, ऐसा लिखा होता है। छठू, लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं? लोग ट्रेन, सर्कस, प्रदर्शनों और सिनेमा के टिकट के लिए कतार में खड़े रहते हैं। राशन की दुकान से राशन लेने के लिए भी लोगों को कम कतार में खड़ा होना पड़ता है। लाइट या टेलीफोन के बिल भरने के लिए भी लोगों को कतार में खड़ा होना पड़ता है। बस में चढ़ने के लिए भी यात्री कतार में खड़े होते हैं। शहर में मॉल में की गई खरीदी का बिल चुकाने के लिए कतार लगती है। बैंक में लोग कतार में खड़े होकर पैसे जमा करते हैं या निकालते हैं। इस प्रकार लोगों को आवश्यक जगह पर कतार में खड़ा होना पड़ता है। प्रश्न छठो, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहलू, गुणों की खान बहुत गुनी। वाक्य, आपत्ति सचमुच गुणों की खान है। बीजू, पानी पानी हो जाना, बहुत लज्जित होना। अपना झूठ पकड़ा गया तो लड़का पानी पानी हो गया। प्रश्न सातवां, उचित जोड़ मिलाइए। प्रश्न सूचक, बीजू पूर्ण विराम, त्रीजू उद्गार चिन्ह, चौथु अल्प विराम, पांचमो अवतरण चिन्ह अने छठू छे योजक चिन्ह। प्रश्न आठ, निम्नलिखित वाक्यों में विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। पहलू, फूल तोड़ना मना है। बीजू, वह कितना सुंदर दृश्य है। त्रीजू, बसों में लिखा होता है धूम्रपान का निषेध। चौथू, धारा रात दिन पड़ती रहती है। पांचमू, पौधे बारिश में ही क्यों लगा जाते हैं। प्रश्न नौमो, कोष्टक में दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखिए। उदाहरण,
फूल तोड़ना मना है। पहलू, मैं हर रोज खेलने जाता हूँ। बीजू, सबको कथनी करने में समानता रखनी चाहिए। त्रीजू, वे कहीं से अच्छे पौधे लाइए। चौथू, फूल तोड़ना मना है। प्रश्न 10, निम्नलिखित कहावतों का अर्थ लिखिए। पहलू, आम के आम गुटलियों के दाम, दोहलरा लाभ लेना। बीजू, जैसी करनी वैसी भरने, कर्म के अनुसार फल मिलना। त्रीजू, सांच को आँच नहीं, सच्चे व्यक्ति को कोई भय नहीं होता। चौथू, काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़। प्रश्न 11, निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। पहलू, सच्चा तो सच्चाई। बीजू, ऊंचा तो ऊंचाई। त्रीजू, बच्चा तो बचपन। चौथू, लंबा तो लंबाई। पांचवू, अमीर तो अमीरी। छठू, बूढ़ा तो बुढ़िया। प्रश्न 12, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित संज्ञा पर भेद लिखिए। पहलू, मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है। मनुष्य जातिवाचक। बीजू, हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए। अहिंसा भाववाचक। त्रीजू, रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ रहती है। भीड़ समूहवाचक। चौथू, क्षमा वीरों का आभूषण है। क्षमा भाववाचक। पांचवू, फूल सबको अच्छे लगते हैं। फूल जातिवाचक। छठू, हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। विनम्रता भाववाचक। सातवू, सभा में कई लोग इकट्ठे हुए। सातवू, सभा समूहवाचक। थैंक यू।